शेयर मार्केट डाउन होने वाला है, क्या रिडीम कर लूं? ऐसा लोग पूछ रहे हैं, लोगों के मन में इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, जिज्ञासा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली शेयर मार्केट डाउन होने वाला है। तो इसके चार पांच रीजन समझ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने यहाँ तो नहीं लेकिन यूएस मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर वहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर इंडियन मार्केट पर दिखेगा। अगर ज्यादा हम डाउन नहीं होते हैं तो दबाव तो हम पर भी दिखेगा। उसके रीजन है, ये तीन चार रीजन है, उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ रिडेम्पशन करना है या नहीं करना है, करना है तो किसको करना है। पहला यूएस, यूएस का फिर रेट हाई, बैंकों का डूबना और वहाँ पर महंगाई का कंट्रोल ना होना एक बहुत बड़ा मेन रीजन है जिसकी वजह से आ सकती है यूएस सबसे बड़ा। तीसरा क्या है, दूसरा जो मोगली का स्टेटमेंट है, उनका जो प्रेडिक्शन है 2008 में, जाहिर सी बात है ठीक है उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 2008 में, मेजर फॉल आया था एंड 2020 में सबको पता था कि कोरोना का इम्पैक्ट होगा। दोनों बार 35 से 40% का गिराव मार्केट में दिखा है, लेकिन एक साल के अंदर दोबारा मार्केट अपने चढ़ाव को लेकर के फिर अपने पीक पर पहुंच गया और उससे कहीं ज्यादा 80 से 90% एक साल के अंदर, अगर उस गिरावट को रिकवर को काउंट किया जाए तो 80 से 90% तक हर मार्केट का हर सेक्टर रिकवर किया है। दूसरा रीजन है यूरोप का रिसेशन, ठीक है, यूरोप का रिसेशन है, वो भी एक गिरावट का कारण बन सकता है। तीसरा चाइना की हालत, चाइना का सबसे बड़ी सेकंड नंबर की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्वाहा हो गई है, जिसके 99% शेयर्स बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं। तो तीसरा रीजन चाइना हो सकता है, ठीक है ना, प्रेडिक्शन हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया। अभी उसके बाद में जो एक सबसे बड़ा इशारा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे जो है, ये अपनी दो कंपनियों की, काफी बड़ी कंपनियों के शेयर्स को बहुत बड़ी मात्रा में और सबको पता है वॉरेन बफेट जैसा एक्सपीरियंस बंदा अगर स्टेप ले रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो है। अब एलन मस्क का आपको पता ही है, बहुत पहले उन्होंने अपने कंपनी को अपने पर्सनल शेयर बेच दिए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा था उस बंदे को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। वो दिखने में दिखता है लेकिन वर्ल्ड का नंबर वन ऐसे नहीं रहा है, तो इस चीज को आप लोग जरूर। अभी आता है ओपिनियन अबाउट द रिडेम्पशन के बारे में, क्या ओपिनियन है, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो उसके बाद में रिडेम्पशन के बारे में क्या विचार है। देखिए सीधी सी बात है, मैं एक चीज को एडवाइस करूंगा, अगर आपका गोल नजदीक है, एक आध साल में आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपना पैसा रिडीम करिए, बैंक की एफडी में डालिए या किसी डेप्ट फंड में डाल करके उसको सेव कर दीजिए और अपना, क्योंकि आपका गोल आ चुका है। लेकिन अगर आपका गोल आपके लॉन्ग होराइजन में है, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मार्केट में डाउन होता है तो आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, इसको ग्रैब करने की कोशिश करें, रिडीम करके भागे नहीं। पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है, मार्केट में डट करके मुकाबला करना है, और आज का रिटेल इन्वेस्टर डटता है, तभी 2022 में जो फॉल आया था उसको FIIs को और D2 में तो चलो किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन FIIs को हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने धूल चटाई है और मुंह की खा करके दोबारा आकर के उन्होंने फिर लगभग लगभग जितना उन्होंने ह्यूज सेलिंग किया था उतना अमाउंट लमसम थोड़ा है उतने अमाउंट उनको डालना पड़ा है। तो आज के टाइम पर हमारा रिटेल इन्वेस्टर क्या हो गया, जागरूक हो गया है। वो 80 और 90 के दशक के पनवारी नहीं है कि पान खा खा करके उन्होंने धीरू भाई अंबानी को धमकी दे दो, डाटा को धमकी दे दो, बिरला को धमकी दे दो, इनको धमकी दे दो कि हम तुम्हारी मार्केट गिरा देंगे, हम तुमको बदनाम कर देंगे। आज भैया काम करोगे तो आगे जाओगे, कमा करके दोगे तो आगे जाओगे। ये प्रेडिक्शन से और हवाबाजी से आज के टाइम पर कहीं पर भी गिरावट नहीं आ रही है, हर चीज एज ए ग्लैंस अवेलेबल है। और हमारे आप जैसा बंदा जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं वो आपको बार बार सचेत करता रहता है।
बार बार आपको सही सलाह देता रहता है, बिना लालच के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के। तो इस बात को समझिए, दो चीजें हैं, अप डाउन आता रहेगा। अगर आपका गोल नजदीक है तो सेल करिए और उसके बाद में आप बैठ जाइए। अगर आपका गोल 5 साल 7 साल 10 साल का है, आराम से जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए, होल्ड करिए, पोजीशन बना करके रखिए। दबाव आएगा तो देखा जाएगा। इन्हीं 4-5 रीजनों के अलावा दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है।